अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ। आज चांद रात है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआओं में याद रखिएगा। और आज मैं बना रही हूँ, आज तो नहीं खैर ईद के लिए मैं बना रही हूँ, दम वाली बिरयानी बनाऊँगी और स्मोकी बिरयानी बनाऊंगी, चिकन स्मोकी बिरयानी कोयले का धुआं देके, और बहुत अच्छी सी बनेगी। मैं अभी आज चिकन मैंने साफ़ करके फ्रीज़र में रख ली थी, ये मैंने निकाल ली है, धुली भी है ये चिकन। और 1 किलो के करीब चिकन है ये, तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है, 1 किलो के करीब चिकन है ये। और मैंने बम्बई मसाला ले लिया है नेशनल का, ये डबल पैक है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है ये डबल पैक है। इसमें से दो इस तरह के शॉपर निकलेंगे मसाले के। आधा किलो मैंने दही ले लिया है, 5-6 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 किलो के करीब मेरी चिकन है, तकरीबन 1 किलो के करीब है। और यहाँ हल्दी, मिर्चे और साबु पिसा हुआ धनिया, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं नमक इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं इनमें नमक ऑलरेडी शामिल होगा। इस तरह का बॉल ले लेंगे ढक्कन वाला, ये हम रात को ही मैं करके रख रही हूँ। बस हमने मुर्गी में सारा मसाला और दही वगैरह लगा के इसको रख देना है, और उसके बाद प्रोसीजर मैं आपको कल शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ। मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने दही ले लिया है, आधा किलो दही है, अच्छे तरीके से फेंटा हुआ है ये दही। इसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर लूँगी, घर के मसाले मैं इन दो, ये दो शॉपर हैं। अगर आप नेशनल के मसाले से बना रहे हैं तो घर का मसाला स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉरी, अगर आप उसके हिसाब से बना रहे हैं, शान का मसाला ले रहे हैं, तो शान जो है ना प्रोडक्ट हमारा, वो तेज़ होता है मसाला, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। उसके साथ घर के मसाले सिर्फ फिर शान का ही ऐड करें। नेशनल के साथ मैं घर का मसाला इसलिए डाल रही हूँ कि नेशनल का थोड़ा सा नॉर्मल होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता, तो इस वजह से मैं घर का भी ऐड करूँगी। घर के मसाले में मैं 1 चम्मच भर के धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच भर के पिसी हुई मिर्ची ऐड करूँगी। इसके अलावा ये दोनों शॉपर बिरयानी, बम्बई बिरयानी मसाला नेशनल का डबल पैक है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने दही शामिल किया है, दही में मैं घर के मसाले ऐड कर लूंगी। घर के मसाले इतने ही ऐड करने हैं, बाकी दोनों शॉपर मैं काट के इसमें ऐड कर दूंगी। ये दोनों मसाले मैंने कट कर लिए हैं, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। एक से 1.5 किलो का मैं ये आपको प्रोसीजर बता रही हूँ मसालों का। 1.5 किलो चावलों में ये आप डालेंगे आराम से। चावल अच्छे वाले यूज़ करने हैं आपने, क्योंकि फिर वो पकने के बाद भर जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो इसलिए। ये लहसुन अदरक भी मैंने ऐड कर लिया। अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा गोल मिर्चे और ये सब चीज़ें हैं शामिल हुई हुई हैं, हर चीज़ होती है इस मसाले में। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं जो हूँ इसमें चिकन ऐड कर दूंगी सारा का सारा, और अच्छे तरीके से मसाला लगा के, मसाला इसको अच्छे तरीके से हाथों से लगा के एक एक बोटी पे वो मैं इसको कवर करके रख दूंगी। और बड़े डिफरेंट तरीके से मैं ये रेसिपी आपको बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखें, बकरा ईद है, गोश्त तो होता ही है, तो इसलिए मैंने चिकन को चूज़ किया। मैंने कहा चिकन बनाना चाहिए, चिकन की बिरयानी। इसमें मैं आलू भी शामिल करूँगी, बाकी रेसिपी आपको सुबह मिल जाएगी। ये रेसिपी मैं आपको इसलिए डाल रही हूँ, दे रही हूँ कि आपके पास एक रेसिपी तो आ गई है ना, बाकी आप
नॉर्मल जैसे बिरयानी बनती है वैसे करें, बना लें, या सुबह में मेरी वीडियो को देख लें। पूरा वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ़ से, और अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। ये डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें ये बोटियाँ ऐड कर रही हूँ। कुछ चिकन मेरा निकल गया बर्फ़ में से और कुछ नहीं निकला। ये डन हो गया है, मैंने मसाला लगा दिया है इसमें, और ये अब मैं रख दूंगी अच्छे तरीके से। मैंने मसाला लगा दिया, याद रखिएगा नमक अभी शामिल नहीं किया। जो डब्बे ये बॉक्स के अंदर से मसाले निकले थे उसमें नमक होता है, तो नमक हम एंड पे जब कोरमा तैयार हो जाता है जब भी हम चख सकते हैं, चावल डालने के टाइम पे भी चख सकते हैं। तो अभी मत डालिएगा आप, और इसी प्रोसीजर से बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। स्मोकी बिरयानी है ये, दम वाली स्मोकी बिरयानी है ये। इसमें हम तह भी लगाएंगे, आलू भी ऐड करेंगे। वो एक रेसिपी आपके साथ पूरी शेयर की जाएगी कल, तो ज़रूर मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। और अब मैं इसको नॉर्मल इससे ढक्कन से कवर करके और इसको फ्रिज में नीचे, नॉर्मल जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर नीचे वाला खाना जो होता है उसमें रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखना हमने, उसमें रख दूँगी। तो ये अंदर ही अंदर अपना एब्जॉर्व करती रहेगी सारा मसाला, और बड़े अच्छे तरीके से ये हो जाएगी।